क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड सिग्मा की आ गई, इन दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज गारंटीड, कहता है अगर गारंटी जो दी गई है वो 12 मंथ के लिए है। अब दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमें ईयर्स में दी गई हैं, तो 12 मंथ को ईयर में बनाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यानी 12 मंथ इक्वल टू 1 साल होता है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि कहता है अगर मशीन ख़राब होती है तो उसको रिप्लेसमेंट करने की कितनी परसेंटेज है। गौर से सुने, अब 12 मंथ के दरमियान अगर इसका मतलब है इससे पहले पहले ख़राब होगी तो रिप्लेस होगी, यानी हमने इसकी लेस देन वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो हमने सॉल्यूशन निकालना है हमने क्या निकालना है। एक तो आ गया हमारे पास मीन आ गया 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए फाइंड करनी है, क्योंकि 12 ईयर है ना, 12 मंथ है, 12 मंथ इक्वल टू कितना होता है 1 ईयर। अब यहाँ पहले हम जी फाइंड कर लेंगे, एक्स माइनस म्यू सिग्मा, एक्स 1 है, म्यू 3.5 एंड सिग्मा 1, तो ये माइनस 2.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 2.5, अब z लेस देन a हो तो इसके लिए जो हमने थ्योरम पढ़ा है, अब शुरू वाली वीडियोस देख लें तो हम इसमें इसकी फाई की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, माइनस 2.5। अब टेबल 9 में से ये अब टेबल वैल्यू देख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो 621, और इसको परसेंटेज में इसने कहाना था मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 62.1, और अगर राउंड करेंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक एथलीट जो यानी दौड़ता है उसकी मेन की वैल्यू है 4 मिनट 1 सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और सिग्मा 2 सेकंड है, प्रोबेबिलिटी निकालें अगर वो 4 मिनट से कम दौड़ता है, और दूसरा क्या है ज़्यादा दौड़ता है 3 मिनट 55 सेकंड। अब हमारे पास जो डाटा दिया गया है, सबसे पहले तो हमें मीन दिया गया है बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 10.2, म्यू यानी मीन है 4 मिनट 1 सेकंड, 4 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करें और 1 सेकंड ऐड कर दें, तो ये 240 + 1 241 सेकंड, ठीक है। और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 सेकंड, ठीक है। अब पहला जो पार्ट है वो है 4 मिनट्स, लेस देन 4 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 मिनट इक्वल टू 4 × 60 = 240, यानी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स लेस देन 240, इसको जी में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स है 240, म्यू है 241 और सिग्मा है 2, -1/2 ये आ जाएगा 0.5। अब हमने जी निकालना है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -0.5, और लेस देन के लिए क्या होता है 5, ठीक है। टेबल 9 से ये वैल्यू हम ले लेते हैं, -0.5 की 0 में 30854, 0.30, ठीक है जी,
सेकंड पार्ट है इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 235। अब मोर देन है तो एक्स यानी ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर के लिए होता है 235। इसको जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स है 235, म्यू हमारा वही पहले वाला ही है और सिग्मा भी पहले वाला ही है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी तो -6/2 तो ये आ जाएगी -3। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो जी ग्रेटर देन -3 और ग्रेटर के लिए होता है 1-5 वो वैल्यू 1-। अब ये टेबल 9 में से हम देखेंगे 5-3 के 0 में, ये -3 इसके 0 में 0.00135, इनको माइनस कर लेते हैं तो 0.998 और 5 हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। अज्यूम करता फर्ज करें कि एक पार्टिकुलर एथलीट है, खिलाड़ी है, विल बी एबल टू पुट अ शॉट, वो कोई खेल खेल रहा है शायद, जंप कर रहा है लॉन्ग जंप वगैरह, तो उसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो 50, सिग्मा 5 फीट है। प्रोबेबिलिटी निकालें नॉट लेस देन 55, यानी 55 से नीचे ना हो मतलब ऊपर हो तो ग्रेटर आ जाएगा। और दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉसिस बिटवीन 15 फीट एंड 60, यानी वो जंप जो लेगा वो 50 फीट से 60 फीट के दरमियान होना चाहिए। तो दो पार्ट्स हैं इस सवाल के। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। म्यू आ गया हमारे पास 50, उसके बाद सिग्मा आ गया 5। अब इसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी निकालें एक्स नॉट लेस देन ओ 55, यानी नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन, तो z फाइंड कर लेते हैं इससे। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x है 55, म्यू 50 है और सिग्मा 5 है, तो ये 5/5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कन्वर्ट किया तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर के लिए क्या होता है 1-5, 1। ठीक है, अब 5-1 टेबल 9 से हम देख लेते हैं, ये आ गया 0.84134, इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 0.1587 आ जाएगा राउंड करके। ठीक है जी, अब दूसरा पार्ट है बिटवीन 50 एंड 60, दोनों के लिए जी फाइंड कर लें पहले रफ में। जी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सवाल के अंदर भी कर सकते हैं। एक्स एक के लिए 50, म्यू वही हम ऊपर वाला यूज़ करेंगे 50, सिग्मा 5, ये हो गया 0। दूसरे के लिए जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स दूसरा क्या है 60, म्यू क्या था वही 50, सिग्मा क्या है 5, तो 10/5 तो ये क्या आ जाएगा 2। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा z 0 और लेस देन 2। अब बिटवीन वाला हो तो कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाली सेकंड माइनस 5 फर्स्ट। ठीक है, दोनों की वैल्यूज ले लेते हैं टेबल 9 से, और 5/2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.97725 और ज़ीरो में देखें क्या है, या फिर ज़ीरो में 5000, 0.5
इनको माइनस कर लें तो 0.4773 आ जाएगी। ठीक है जी, डी पार्ट अबव। अब हमने ई एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, दो पार्ट्स हैं, इसको हम अभी हल करते हैं। ठीक है, यानी कि पहला है बिटवीन, यानी एक्स बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, इसको जी में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब एक्स की जगह ये रखेंगे म्यू माइनस सिग्मा, और ये माइनस म्यू वैसे ही, ओवर सिग्मा भी वैसे ही, माइनस म्यू इससे कट गया, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा से काटेंगे तो माइनस वन आएगा। इसी तरह दूसरा बनाएंगे जी बराबर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, अब एक्स की जगह हम ये वाला रखेंगे म्यू प्लस सिग्मा, माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये से काट देंगे, सिग्मा ओवर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा से काटे तो वन। तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो बनेगा जी ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन। तो बिटवीन के लिए क्या होता है, आगे वाली का फाई माइनस माइनस वन का। अब फाई ऑफ वन क्या होता है, टेबल नाइन से 0.84134 और फाई ऑफ माइनस वन के लिए है 0.15866। इनको माइनस कर लें, ठीक है, 0.68268 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये हमें एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हीं को हमने यूज़ करना और वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, वो क्या है प्रोबेबिलिटी एक्स की। अब पहली वैल्यू है म्यू और दूसरी है म्यू प्लस टू ओमेगा, सेम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, अब पहले की जगह एक्स में म्यू रखना है, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू माइनस म्यू जीरो ओवर सिग्मा, तो ये जीरो आ जाएगा। दूसरे के लिए फिर रिलेशन लगाएंगे, अब इनको वन टू भी कह सकते हैं लहदा करने के लिए। अब यहाँ क्या है, म्यू प्लस टू सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू म्यू से गया तो क्या बचा, टू सिग्मा ओवर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा से गया तो टू। तो कन्वर्ट करके बनाएंगे तो फार्मूला बनेगा जी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन टू। तो इसका रिलेशन जब हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा फाइ ऑफ टू माइनस फाइ ऑफ ज़ीरो। फाइ ऑफ टू के लिए क्या आ जाएगा, 0.97725 और दूसरे के लिए 0.5। ठीक है, इनको माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.47725। ठीक है बच्चों,